हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नमिता और आज मैं बनाने वाली हूं तीन फ्लेवर के साथ क्रिसमस कुकीज़। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है 1/4 कप घी और 1/4 कप तेल। इसमें मैं डालूंगी आधा कप चीनी, पिसी हुई चीनी, ब्राउन शुगर है ये। इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे 2 कप मैदा। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और अच्छे से इसको इसमें मिलाएंगे। थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे इनको। बाकी का मैदा भी डाल देंगे। इसे हाथ से ही मिक्स करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो दूध से इसे गूंथ लेंगे। अब मैंने इसमें 1 कप गेहूं का आटा डाला है, तो अभी मैंने आधा ही कप डाला है, उसे मिक्स कर लिया है। और थोड़ा सा वेनिला एसेंस, आधा छोटा चम्मच, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये हमारा बेसिक डो तैयार है। आधा कप गेहूं का आटा बच गया, उसे मैं बाद में यूज़ करूँगी। इस डो को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने 3 फ्लेवर की कुकीज़ बनानी है, तो बराबर बराबर इन्हें 3 भागों में बांट देंगे। तो सबसे पहले मैं चॉकलेट कुकीज़ बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर डाला है इसमें, और इसको भी अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। ये हमारा एक तरह का मिक्सचर रेडी है। दूसरे मिक्सचर में मैं डालूंगी अदरक का पाउडर, या सौंठ पाउडर भी कहते हैं, और थोड़ा सा सिनेमन या दालचीनी का पाउडर। इसे भी अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। और तीसरे फ्लेवर के लिए, मैं उसको कलरफुल बनाने के लिए मैं बीटरूट का जूस निकालती हूँ। थोड़ा सा बीटरूट को कद्दूकस करके इस तरह से उसका जूस निकाल लें, और हमारा नेचुरल फूड कलर तैयार है। इसे अच्छे से आटे के साथ मिक्स कर लेंगे, और ये हमारा तीसरे कलर का सिंपल वनीला फ्लेवर का डो तैयार है। पार्चमेंट पेपर लगा लिया है मैंने बेकिंग ट्रे में। अब थोड़ा सा आटा डस्ट करके सबसे पहले मैं चॉकलेट फ्लेवर वाली कुकीज़ बनाऊंगी। तो मैं इसको स्टार शेप में बनाऊंगी। ये कुकी कटर हैं, अगर आपके पास ये ना हो तो आप किसी गिलास की हेल्प से या किसी की भी मदद से आप इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी कुकीज़ बना लेंगे। हाफ इंच के करीब थिक होना चाहिए ये। अब मैं दूसरे फ्लेवर की कुकीज़ बनाऊंगी, वो मैंने ओवन में डाल दी है बेक होने के लिए। तब तक हम बनाते हैं ये वनीला फ्लेवर की रेड कलर की हार्ट शेप की कुकीज़। ये हमारी बेक हो गई है चोको कुकीज़। इसको मैंने 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए बेक किया। अब मैंने वो हार्ट शेप की कुकीज़ ओवन में डाल दी है। अब बनाएंगे हम थर्ड वाली कुकीज़। इसको मैं फ्लावर शेप में बनाऊंगी। ये दिखने में तो अच्छी लगती हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होती हैं, क्योंकि अलग अलग फ्लेवर की हैं। तो ये हमारी थर्ड टाइप की कुकीज़ रेडी हैं। इन्हें भी हम अब ओवन में 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। जो बाकी का डो बचा है उसे दोबारा से रोल करके उसकी भी हमें कुकीज़ बना देनी है। तो टोटल इससे मेरी 40 से 50 कुकीज़ बन गई हैं। ये पिंक वाली कुकीज़ तैयार है, ये देखिए, ये बन गई हैं, बेक हो गई हैं। थोड़ा सा जो मेरा आटा बच गया था उसे मैंने एक क्लिंग रैप में रैप करके इसको फ्रीजर में रख दिया है, और जब भी मन हो निकाला और इससे कुकीज़ बना ली। आप इसे 1 महीने तक आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी कुकीज़ खाने का मन हो निकालो और इससे कुकीज़ बना लो, और 15 मिनट में आपकी कुकीज़ तैयार है। तो ये मेरी तीनों फ्लेवर की कुकीज़ तैयार हैं। अब मैंने ये चॉकलेट को मेल्ट करके एक पाइपिंग बैग में भर दिया है, और इस तरह से इसे ऊपर से डेकोरेट कर देंगे जो भी डिज़ाइन आप बनाना चाहें। और ये हमारी 3 फ्लेवर वाली क्रिसमस कुकीज़ रेडी हैं। तो आप भी बनाइए, बहुत इजी है, और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।
deep in the shadows, I know it's hard.